कई लोगों को मैंने भी देखा है, जो मैं लिंक्डइन पे लोगों के एक्सपीरियंस सेक्शन देखता हूँ, कि शुरू में TCS में थे, फिर अमेजोन में चले गए और अमेजोन से गूगल में चले गए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारी होती है, उसके अंदर हमने कितना काम किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम कितना दिखाना में आता है कि हाँ, हम लगना चाहिए इस बंदे ने बहुत ज़्यादा काम किया। किसी ना किसी तरह से आपको अपने आप को एक तरह से सेल करना होता है कि हाँ, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, और इन्हीं सब चीज़ों से वो होता है। हाई एवरी वन, माई सेल्फ नावन गुप्ता। अप्रॉक्सीमेटली 40-50% ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, उनकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिली होती है। तो आज के सेशन में कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए: स्किल, रिज्यूमे एंड अप्लाई करना। तो एक एक करके सारी स्किल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ब्रीफ में रिज्यूमे किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में, एंड उसके बाद वेरियस एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्किल्स के बारे में बात करते हैं। एकदम बेसिक से अगर शुरू करें, जो एकदम बिगिनर लेवल का बंदा है जिसने कुछ भी नहीं करा है अब तक, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो एक लैंग्वेज सीखनी होगी। अब भले ही वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी हो, जो भी आपके पसंद की हो, उस अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। जब ये हमने सीख लिया, नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। एटलीस्ट 4 से 5 महीने लगकर ये करना एकदम ज़रूरी होता है, इसके बिना जॉब नहीं निकलेगी, भले ही वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, ये करना ही करना है और एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब ऑन कैंपस का जनरली जो होता है, अगर कोई इतना भी करता है ना, तो फिर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है कि उसकी जॉब लग जाए, बट ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर नहीं रुक सकते। ऑफ कैंपस में एक नेक्स्ट स्टेप और होता है, जिसमें आपके 4 पाथ होते हैं, आपको 4 में से कोई भी एक चीज़ करनी होगी: कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग। कोई भी एक इन तीनों में से एकदम अच्छे से करनी होगी। इसमें जो हमारा ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग है, उनका हमारा एंड गोल होता है कि एकदम एक अच्छा सा, बढ़िया सा रिज्यूमे के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट हम बना लें। अगर ऐप डेवलपमेंट है तो हम कोई प्ले स्टोर पर अपनी ऐप लाइव कर दें, वेब डेवलपमेंट है तो हमारी कोई वेबसाइट लाइव हो जाए, और इसी तरह से मशीन लर्निंग का भी। चौथा होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एंड गोल होता है कि किसी भी अच्छी जो कॉम्पिटिटिव साइट्स है, हमारी कोड फोर्सेज, कोड शिफ्ट, उसमें हमारी रेटिंग, रैंकिंग या स्टार्स जो भी उस साइट पर पर्टिकुलरली मिलता है, वो हमारी इम्प्रूव हो। तो इन 4 में से अगर कोई भी एक पाथ आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको DSA में काफ़ी इंटरेस्ट आया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है एंड आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें। अगर आपको कोई ऐप बनाना अच्छा लगता है, इतनी सारी आप ऐप्स देखते हैं, वो पसंद आती है, आप चाहते हैं उनके पीछे क्या होता है जानना, तो उसके लिए ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब की वेबसाइट्स पसंद आती है, आप देखना चाहते हैं वो कैसे बनती है, तो उसके लिए आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसी के साथ मशीन लर्निंग, जो कि हमारे जैसे यूट्यूब पर हम कोई एक वीडियो देख रहे हैं तो ऐड हमारी वही आ रही होती है जो हम कोई प्रोडक्ट सर्च करें उससे पहले, तो वो सब चीज़ें पीछे से कैसे हो रही होती है, वो हम मशीन लर्निंग के थ्रू सीख सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इन 4 में से कोई एक करना ही होगा, एंड भले ही तीनों में जो अपना ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है या मशीन लर्निंग है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं उसको गिटहब पर ज़रूर डालें, एंड साथ में उसका एक लिंक भी जनरेट कर लें जो कि आप अपने रिज्यूमे में शेयर कर सकते हो। और ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में अगर आप लाइव करते हैं अपनी उस ऐप या वेबसाइट को, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो किसी ना किसी तरह से आपको अपने आप को एक तरह से सेल करना होता है कि हाँ, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, और इन्हीं सब चीज़ों से वो होता है। तो इसी के साथ हमारा जो स्किल सेक्शन है वो ख़त्म होता है। अगर ये सबसे पहली हमारी बेसिक लैंग्वेज, उसके बाद DSL को, उसके बाद जो हमने 4 पार्ट डिस्कस करें उनमें से कोई भी एक चीज़, तो ये अगर आपकी हो जाएगी तो आपका स्किल सेक्शन एकदम पूरा हो जाएगा। तो स्किल सेक्शन के बाद आता है, हमें जब अपनी स्किल्स को शोकेस करना होता है, हम किस तरह करते हैं रिज्यूमे में डाल के। तो रिज्यूमे का सबसे मेन चीज़ जो मैं बताऊँगा वो है कि एक पेज का ही रिज्यूमे होना चाहिए, उससे ज़्यादा एज अ बिगनर लेवल अच्छा नहीं लगता है। जब आपने 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, उसके बाद अगर आपका एक पेज से ज़्यादा का होता है तो फिर भी समझ आता है, बट शुरू के टाइम में एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
उसके बाद अब एक एक सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो वो नेम, नंबर, लिंक्डइन आईडी, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाला एरिया होता है। सेकेंड आता है आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन, उसमें आपने कब, कहाँ से कहाँ तक, कौन से ईयर तक आपने वहाँ स्टडी किया है, आपका क्या परसेंटेज रहा है, ये सब चीज़ें ऐड होती है इसमें, जनरली 10th, 12th और साथ में आपका कॉलेज का ऐड होता है। थर्ड आता है आपका स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में याद रखें कि आप टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड स्किल्स डालें, उसके अलावा जो आपकी जैसे कई लोग डाल देते हैं सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, उन सब चीज़ों की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब स्किल सेक्शन में आपने कौन सी लैंग्वेजेस सीखी है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी सीखी है जैसे कि MySQL वगैरह, कौन से टूल्स यूज़ करे हैं, फ्रेमवर्क कौन से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डालें। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है इंटर्नशिप सेक्शन। इसमें आपने जहाँ जहाँ इंटर्न करी है उसको एक से दो लाइन में एक्सप्लेन करें और ये ध्यान रखिए कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और क्रिस्पी लाइन्स बनाएं, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारी होती है उसके अंदर हमने कितना काम किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम कितना दिखाना हमें आता है कि हाँ हम लगना चाहिए इस बंदे ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट में भी वही है कि एक से दो लाइन में एक्सप्लेन करें और टेक्निकल टर्म्स को बोल्ड करें और अगर लिंक अवेलेबल हो तो वो ज़रूर से डालें। अब हो सकता है कुछ लोगों ने इससे पहले वाला जो इंटर्नशिप है वो नहीं करी हो तो वो सीधा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट सेक्शन डालेंगे, बट अगर इंटर्नशिप करी हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बिकॉज आपने एक्सपीरियंस गेन किया होता है, आपको वो एक्चुअली चीज़ें कैसे वर्क करती है उन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, तो एटलीस्ट आपकी 30-40% चांसेस जो होती है सिलेक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर प्रोजेक्ट सेक्शन हमारा आता है अचीवमेंट सेक्शन। अचीवमेंट सेक्शन में आपने कोई फुटबॉल का मैच जीता या बैडमिंटन के कैप्टन रहे हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो, ये आपको नहीं डालनी है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक ओरिएंटेड अचीवमेंट डालनी है, जैसे कि आपकी कोडिंग प्रोफाइल जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म की, अगर वो अच्छी हैं तो आप वो डाल सकते हैं। उसके अलावा आपने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा किया है उसके बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि GSOC अगर क्लियर किया है तो उसके बारे में डाल सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग जो हैकाथॉन होते हैं उसमें कभी जीते हो या कोई रैंक आई हो या ऐसा कुछ भी हो तो उन सब चीज़ों के बारे में डाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो रिज्यूमे वाला पार्ट है वो भी फिनिश होता है एंड यही सारी चीज़ें होती हैं जो रिज्यूमे में होनी चाहिए। एंड फिर से रिपीट करूँगा, कीप इट ऑफ वन पेज, एक पेज का ही रखें रिज्यूमे। अब हमारे पास अच्छी स्किल्स एंड अच्छा रिज्यूमे दोनों हैं तो ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए अब हम एकदम रेडी हैं। तो अब लास्ट स्टेप हमारा आता है कि हम कैसे कैसे अप्लाई करें। सबसे बेस्ट वे होता है रेफरल का। अब रेफरल आप चाहे तो अपना कोई कॉलेज सीनियर है उससे मांग सकते हैं अगर वही किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो लिंक्डइन पर आप डिफरेंट कंपनीज के लोगों को अप्रोच करें उनसे डायरेक्टली, बस वो हाई हेलो काइंड ऑफ भी मत कीजिए या डायरेक्टली रेफर करने को भी मत भूलिए, पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बननी चाहिए। तो आप चाहे तो उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं किसी चीज़ के लिए या आप कह सकते हैं कि मेरा रिज्यूमे रिव्यू कर दो। जब थोड़ी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरा रिज्यूमे अच्छा है, अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं मेरे पास, तो क्या आप मुझे इस जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए रेफर कर सकते हैं। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि लिंक्डइन से ही आप रिक्रूटर्स की मेल आईडी निकाल सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज के रिक्रूटर्स होते हैं, उनकी उन मेल आईडी पे आप अपने रिज्यूमे को मेल कीजिए और उन्हें कहिए कि आपको इस जॉब के लिए वो कंसीडर करें अगर आपकी स्किल्स मैच करती हो तो। अब ये नहीं है कि आपने 5 या 6 या 10 को मेल कर दिया और आपका काम हो गया, एटलीस्ट 50-60 रिक्रूटर्स को मेल करें, तब जाके आपके पास किसी एक दो का रिप्लाई आएगा। जो नेक्स्ट है हमारा जॉब सेक्शन जो लिंक्डइन का होता है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कम सक्सेसफुल होता है, जो पहला रेफरल वाला और रिक्रूटर वाला है वो थोड़ा ज़्यादा चांसेस होती है, इस पर कम होती है, बट फिर भी मैंने कई लोगों को देखा है जो लिंक्डइन के जॉब सेक्शन से अप्लाई करते हैं एंड उनकी लग जाती है। फोर्थ हमारा आता है कि जो कंपनीज हैं उनकी कैरियर साइट पर अप्लाई करें। अब इसको भी लोग कहते हैं कि काफ़ी कम चांसेस रहती है, बट एक कंपनी जिसका मैं एग्जाम्पल दूंगा वो है DE Shaw में आप जब अप्लाई करते हैं ना तो 70% एटलीस्ट चांस होती है कि उनका आपको टेस्ट लिंक आ जाता है एंड वो कंसीडर भी करते हैं। तो कैरियर साइट वाली चीज़ को भी आप छोटा मत समझें एंड जितना हो सके उतना अप्लाई कीजिए। इसमें भी सिर्फ एक या दो पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया उससे नहीं बनेगा, जितनी आपके अकॉर्डिंग है उन सभी के लिए अप्लाई करते रहें। लास्ट और फाइनल वे जो अप्लाई करने का है वो है हैकाथॉन या कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। अब हैकाथॉन के जरिए भी काफ़ी बार जो होता है लोग सेलेक्ट होते मैंने देखे हैं, जब उनकी कोई
फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई अच्छी पोजिशन आती है तब भी उनको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से कोडिंग कॉम्पिटिशन जैसे गूगल का कोड जाम होता है वैसे हैकाथॉन और मतलब सॉरी हैकर रैंक और काफ़ी अच्छी अच्छी साइट्स पर कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उनके बेसिस पर भी कई बार डायरेक्टली जॉब के लिए आपको ले लिया जाता है। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि 100 से 150 जगह एटलीस्ट अप्लाई कीजिए, सिर्फ एक जगह अप्लाई करने से नहीं होगा। एंड साथ में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि डोंट लिमिट योरसेल्फ। आप ये मत सोच के चलिए कि आपको सिर्फ 2 या 3 या 4 इन कंपनीज में ही अप्लाई करना है। आप एक बार जिस भी अच्छी कंपनी में आपको मिलती है उसमें लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको गूगल या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ इन्हीं सब में करना है। अगर शुरू में किसी और में भी मिल रही है तो उसमें लीजिए। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप स्विच कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने भी देखा है जो मैं लिंक्डइन पे लोगों के जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन देखता हूँ कि शुरू में TCS में थे, फिर अमेजोन में चले गए और अमेजोन से गूगल में चले गए। तो इस तरह का जो है वो पॉसिबल होता है। तो बिल्कुल भी अपने आप को लिमिट मत कीजिए। तो इसी के साथ जितनी भी चीज़ें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। सबसे पहले स्किल्स के बारे में, देन रिज्यूमे के बारे में, एंड आफ्टर दैट अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपको स्किल्स चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या मशीन लर्निंग हो, ये सभी जो चीज़ें हैं इन सभी का कोडिंग निंजास पर कोर्स अवेलेबल है। वो काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया गया है एंड साथ में 1:1 डाउट सपोर्ट भी है। उसके अलावा अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है तो कोडिंग निंजास का कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म भी है जो कि आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने खुद ने यूज़ करके देखा। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी मिस हुआ हो और आपको पता हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि वो और लोग पढ़ें और उनका उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसके अलावा अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिए इस वीडियो के बारे में कि आपको पसंद आई या कुछ इसमें चीज़ें आपको नहीं ठीक लगी हो। जैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।